सामाइन, आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपियंस अक्सर गोल्ड मेडल लेने के बाद उसे दांतों में दबाते हैं। माजी में ताजिर सोने के सिक्कों को अपने दांतों में दबाकर सोने के खालिस होने का पता चलाते थे, क्योंकि खालिस सोना नर्म होता है और दबाने पर अपनी शक्ल बदल लेता है। लेकिन ओलंपियंस ऐसा इस वजह से हरगिज नहीं करते, क्योंकि इनको पहले से ही इल्म होता है कि ये मेडल खालिस सोने का नहीं है। जी हाँ, 1912 से पहले ओलंपिक्स में अव्वल आने वालों को खालिस सोने के मेडल्स दिए जाते थे, लेकिन 1912 से जो गोल्ड मेडल्स ओलंपियंस को दिए जाते हैं उन पर सिर्फ सोने का खोल चढ़ा होता है, जिसका वजन सिर्फ 6 ग्राम होता है, जबकि अंदर से अमूमन चांदी का होता है। तो फिर गोल्ड मेडलिस्ट ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल ऐसा करने के लिए उनको फोटोग्राफर्स कहते हैं, क्योंकि मीडिया वालों का मानना है कि मेडल्स को चबाते हुए ली गई उनकी तस्वीर अखबार या रिसालों के कवर पेज पर ज्यादा पुरकशिश दिखती है। यही वजह है कि ओलंपियंस मेडल्स लेने के बाद उसको दांतों में चबाते हुए तस्वीर उतरवाते हैं।